पाकिस्तान से भारत लाई गई गीता के परिवार की तलाश अब फिर से तेज हो गई है। ट्रेनों में सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली जीआरपी ने गीता के तस्वीर वाले पोस्टर्स लगाना शुरू कर दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जीआरपी विदिशा में रेलवे स्टेशन और यहां से गुजरने वाली ट्रेनों में पाकिस्तान से इंदौर लाई गई भारतीय मूल की लड़की गीता की तलाश में जुट गई है। गीता ने संकेतों के माध्यम से बताया था कि वह ऐसे गांव में रहती है जहां रेलवे स्टेशन नजदीक है। गीता जो मूक बधिर है और पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के प्रयास से उसे भारत लाया गया था। फिलहाल इंदौर के एक मूक बधिर एनजीओ में रहने वाली गीता के परिजनों की खोज एक बार फिर शुरू की गई है। सर, अपने यहाँ कार्यालय से ये मूक बधिर लड़की है जो किसी ट्रेन से वहाँ पाकिस्तान चली गई थी, जो श्रीमती सुषमा स्वराज जी के माध्यम से उसको यहाँ भारत लाया गया। और ये लड़की जो है तो इंदौर संस्था में रखी गई है, जिसके माता पिता के तलाश हेतु ये अधिकारी उच्च अधिकारियों के निर्देश से चस्पा किए जा रहे हैं, क्योंकि ये लड़की मूक बधिर है। ये सर, इसमें ये अपने उससे बताई है कि मेरा गांव जो है तो रेलवे स्टेशन के बाजू से लगा है तथा वहां खेतीबाड़ी की भी खेत हैं, इस वजह से रेलवे स्टेशन पर ही चस्पा किए जा रहे हैं। विदिशा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों के अलावा जीआरपी गीता की तस्वीर और उससे संबंधित सूचना स्टेशन की दीवारों पर भी चस्पा कर रही है। भारतीय मूल की गीता बचपन में पाकिस्तान पहुंच गई थी, लेकिन वह कैसे पहुंची थी उसे कुछ भी याद नहीं है। उसने इशारों में ये जरूर बताया कि वह भारत की रहने वाली है और एक गाँव में उसके माँ बाप रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, विदिशा।